अगर खुद सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे बहुत मजे की ट्रैवल सीरीज आने वाली है और वो ऑब्वियसली आप मिस नहीं करना चाहते। बाहर एक स्पेशल मोमेंट होता है, एक बॉन्ड वाला मोमेंट होता है, और ये आरिश के साथ पहली बार मैं बाहर निकला हूँ अकेले, तो ये भी एक बॉन्ड वाला मोमेंट है, मतलब फादर सन वाला बॉन्ड। चिप्स खाने, चिप्स और फुल झंडे लगाए होते हैं और मतलब सेलिब्रेशन फुल पार्टी अपने में चलाई होती है। सोजो 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 ओ ओ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू व्लॉग। इट्स अ ब्रांड न्यू डे, ब्रांड न्यू व्लॉग। बुबू का टेस्ट आने वाला है और आज मेरा भी टेस्ट है। मेरा टेस्ट ये है कि यार मुझे दो लिटिल मॉन्स्टर को संभालना पड़ेगा, आरिश और अबीरा को, और बुबू ने जाना है यार अपनी फ्रेंड की तरफ कुछ नोट्स लेने के लिए, क्योंकि उसका वो लाइफ इन द यूके वाला टेस्ट आ रहा है, तो उसके कुछ नोट्स लेने हैं। अब कोशिश ये रहेगी कि बीरा कुछ भी चिपका दे उसके साथ, ताकि वो जाके, वैसे तो उसको पढ़ाई करने नहीं देगी, लेकिन अगर चिपका दिया ना तो सिर्फ आरिश को संभालना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि दोनों को साथ में संभालना तो बहुत मुश्किल है। जिसने भी संभाला वो हाथ खड़े कर देता है, मामा भी हाथ खड़े करके कहती आज मैं नहीं जा रही, तुम लोग जाओ, तुम ही संभालो, तुम्हारे बच्चे, मैं क्या कर सकती हूँ। ये क्या कह सकते हैं यार, उनको भी इतना ज़्यादा नहीं कह सकते यार ऐसे करें वैसे करें। ये तो मामा के साथ जाएगी, के बाबू के साथ रहोगी? मामा के साथ जाऊंगी। ऐसे चली जाना चुप करके, ओके ओके। बीरा को पटा रही है, चली जाएगी, अभी देखते क्या होता। ओए ये किसने किया? मम्मा ने, मैंने भी किया। आप तो कैदी बन गई हो, आप तो वैसे ही कैदी बन गई। अभी अभी तक इसकी चोट ठीक नहीं, अब ब्यूटी क्यों लो लियो? पिकाचू बनी हो, पिकाचू बनी हो, पिका पिका पिकाचू। यार आज फॉर अ चेंज हमने सोचा धनिया वाले ऑमलेट को छोड़ के नॉर्मल फ्राइड एग और ब्रेड खाएं, और साथ में मौसम चेक करो यार कितना जबरदस्त हो रहा है यार। कोई सोचा था कि ऐसे वाले मौसम को जबरदस्त कहेंगे, अब यहाँ पे रहकर इतनी बारिश होती है, इतना सब कुछ होता है कि बस इसी मौसम में मजा आने लग जाता है। जस्ट लुक एट दैट यार। कद्दूकश कर रही है? हाँ जी, आप क्या कर रहे हैं? कुछ दिन पहले अबीरा का कार बूस्टर लिया था, ये वाला, तब से लगाया नहीं था कार में, और अबीरा अपनी पुरानी वाली सीट यूज कर रही थी जो कि उसको छोटी हो गई हुई है, तो अब ये वाली सीट चेंज करके ये वाली सीट डालनी है। अब ये बाबा हम वो मेरी पुरानी वाली कार सीट है, ये वाली, ये जो ब्लैक ब्लैक गाइस नजर आ रहा है ना, ये सही हो? हाँ। मजा आ रहा है? हाँ। चलो यार, ये क्या हुआ बाबू, शाम कैसे होगी एकदम से? टाइम देखा? वो देखो, वो देखो, वर्ल्ड कप का वो जा रहा है, वर्ल्ड कप का स्पोर्टर। वो भी बेल्ट नहीं पहनी हुई थी यार। यार जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुए ना, इस तरह के स्पोर्टर जो है ना वो घूमते रहते हैं यहाँ पे अक्सर, फुल लाउड म्यूजिक और साथ में ऐसे कोई कार्ड चला रहे थे, जैसे वो नहीं होता वो गैस वाले गुब्बारों वाला, वो उस तरह का, और फुल झंडे लगाए होते हैं और मतलब सेलिब्रेशन फुल पार्टी अपने में चलाई होती है और वर्ल्ड कप को सपोर्ट कर रहे होते हैं। क्या गाने यार, उसने आधी रात को घूम रहा था वहाँ पे, लोगों ने आगे कंप्लेन की कि यार क्या कर रहे हो, हमें सोने दो, सुबह तो जॉब। हाँ तो घर के बाहर था ना वो, पता नहीं क्या हुआ, अजीब एंगल में सोया था या क्या सीन हुआ था, जैसे ही उठा ना यार बैक, ये लोअर बैक पे इतनी सख्त किसी को कुछ बल पड़ा हुआ है, क्या हुआ यार, मतलब हिला नहीं जा रहा, एक खास मोमेंट से ज्यादा नहीं हिला था, एकदम से बैठा हूँ एकदम से उठ नहीं पा रहा, क्या सीन है पता नहीं यार, अभी इसको भी सॉर्ट आउट करेंगे बच्चों के साथ साथ। यार तो बीरा को किसी तरह बहू के साथ चिपका दिए, अब आरिश है मेरे साथ और ये यहाँ पे व्हील्स ऑन द बस सुन रहा है साथ साथ, ये बिजी है गार्डन में, ऐसी बिजी रहे तो सही है, नहीं तो यार मसला हो जाएगा। A few moments later. यार ये पहली बार है कि मैं और आरिश ऐसे ऑफिशियली बाहर निकले अकेले, पहले सारे साथ ही होते हैं, लेकिन ये जो मोमेंट है ना ये भी मतलब एक पहले था जब मैं बिया के साथ पहली बार गया था, बाहर एक स्पेशल मोमेंट होता है, एक बॉन्ड वाला मोमेंट होता है, और ये आरिश के साथ पहली बार मैं बाहर निकला हूँ अकेले, तो ये भी एक बॉन्ड वाला मोमेंट है, मतलब फादर सन वाला बॉन्ड, तो ये जो है ये कभी जब भी बड़ा होकर देखेगा तो इस पल को याद करेगा शायद कि यार हाँ पहली बार हम लोग बाहर गए थे। अभी सो रहा है और मैकडॉनल्ड पहुँच के अब समझ नहीं आ रही क्या ड्राइव थ्रू से ले लिया जाए या अंदर जाके खाएं, क्योंकि इस पर एक बार उसको उठा दिया तो फिर ये मसला करेगा। फोन भी गिर गया नीचे, अभी उठेगा तो रोएगा फिर। यार अभी देखो अगर घर पे होता तो शोर कर रहा होता, तंग कर रहा होता, मैंने कहा गाड़ी में रहते हैं ज़्यादा टाइम गाड़ी में गुजारते हैं ताकि इसको गाड़ी में संभाल लें और ये आराम से सोया रहे या जिस तरह भी, क्योंकि गाड़ी में संभालना बच्चों को कंपैरेटिवली इजी होता है, वो गाड़ी चलती है तो सो जाते हैं या कुछ खाना पीना खाया एंड देन फिर से टोन। फ्राइडे नाइट है तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और यहाँ से घर जाएंगे वापस आएंगे वो इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि उतनी देर में बूबी फ्री हो जाएगी और सारा प्लान जो है ना मतलब ख़राब हो जाएगा। अभी देखते हैं, अभी ये जनाब उठते हैं तो फिर उसके बाद कुछ उसी पे डिपेंड करता है, अगर तो सोया रहा तो मुझे लगता है इधर ही बैठे रहेंगे आराम से,
और अगर तो उठ गया तो फिर देखते हैं क्या करना। हम करते हैं ड्राइव थ्रू ले लेते हैं खाना वाना, उठेगा तो उसमें बिजी हो जाएगा खाना खाने में, उसके बाद चुप रहेगा थोड़ा सा, उसके बाद अगर बहुत तंग किया तो घर चले जाएंगे, फिर एक चक्कर लगा लेंगे, मजबूरी है। अगर नहीं तो अगर फिंगर्स क्रॉस अगर सही रहा तो फिर ठीक है, ऐसे ही रखेंगे। अभी ले लेते हैं ड्राइव थ्रू ताकि हमारे पास बैकअप हो कि यार उठता है तो खाना पीना उसके लिए रेडी हो, और गाड़ी थोड़ी सी वाइब्रेट भी होती रहेगी ड्राइव थ्रू में चलते हुए तो सही रहेगा। पता नहीं क्या मजा आता है बच्चों को यार, गाड़ी हिलती है सो जाते हैं, झूले मिल रहे होते हैं शायद। और ये सारी देख रहे हो ऑल द वे उधर तक, ये सारी ड्राइव थ्रू की लाइन है यार, आज फ्राइडे नाइट की वजह से बहुत ही ज्यादा रश है। One long angry line later. Okay, thank you. You're okay. यार मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही ऑर्डर कर दिया है, हर चीज दो दो आ गई। रुक के देखते हैं क्या सीन है। वेजिटेबल्स हैप्पी मील ऑर्डर किया था और एक वेजी बर्गर ऑर्डर किया था, ये इन्होंने दो दो वेजी बर्गर दे दिए, दो दो हैप्पी मील दे दिए, दो दो ऑर्डर हो गए गलत। चलो कोई नहीं, बिया भी खा लेगी, वो भी खा लेगी, तब तो ठंडा हो जाएगा। पर अब ऑब्वियसली छोड़ के गई है बिया, अब मुझे यहाँ पे तो ये तो चलता है ना। मीनवाइल सोता रहे तो अच्छा है, लेकिन खा लेता तो भी अच्छा था, एटलीस्ट हमारे पास खाना है, जब उठेगा तो खा लेगा। ये कुछ नए आए हैं इनके, चीज डिपर्स नहीं, चीज मेल्ट, जबरदस्त। सो जो गुड मॉर्निंग। अच्छा नहीं नहीं सो जो चले। Five minutes later. गाड़ी जब तक चल रही थी तो आरे सो रहा था, अभी गाड़ी रोक की है मैंने, अब होपफुली सोता रहे क्योंकि अभी एटलीस्ट एक और घंटा है इसके साथ गुजारना है इसे, पर दो घंटे गुजर गए हैं पता भी नहीं चला। सो रहा है यार, इतना कभी सोता है नहीं वैसे यार, एक घंटा गुजर गया एक ही जगह पे खड़े और गाड़ी ऑफ भी नहीं कर सकते, लोग मशकूक तरह से देख रहे हैं कि यार गाड़ी ऑन करके लाइटें ऑन करके कौन खड़ा, जैसे ही गाड़ी ऑफ करता हूँ ये उठ जाता है, अब गाड़ी चला तो नहीं सकते। ये देखो अभी फिर उठ रहा है, मैंने डिनर वगैरह कर लिया, अगर पता होता इसने ऐसे ही सोए रहना है तो हम लोग घर चले जाते, मैं बस टाइम पास करूँ पाकिस्तान अपने सिस्टर से बातें करूँ, और ऐसे ही है, ऐसा है फादर सन का डे आउट पहला। यार अब उठे कहीं जाके, अभी अभी वो की कॉल आई है 10-15 मिनट में उसको पिक कर लें और अब उठे हैं जनाब। पता है कि आपका और बाबा का डे आउट है आज? हाँ अच्छा, इट्स ओके। हाय गुड मॉर्निंग। जी लेने नहीं लेना, क्या लेना हाँ कुछ नहीं लेना, छोड़ो। अच्छा जी, और क्या करना चाह रहे हो? खाना खाने, चिप्स खानी। अच्छा मैं देता हूँ चिप्स, गुड बॉय, इंजॉय करो। चलो ये तो गुड बॉय बन गया यार, बिल्कुल रो नहीं रहा है, अच्छा ऐसी रहे। यार मैं रात को जब उठता हूँ मेरी आंख खुलती है, कोई नगेट्स नहीं बना के देता, फिर मैं कहता हूँ यार मोबिस नहीं है इधर, नगेट्स नहीं वो फायरी फिंगर्स। चलो सही है, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब फिर दोबारा से पार्टी करेंगे। आपका का डाबरा गिली गिली चू गिली गिली चू। वैसे जो भी हो एक बात है कि यार मुझे पूरी टीम लग रही है इसको संभालने के लिए, मतलब मैं मोविज मेरी सिस्टर सारे मिलके इसको संभाल रहे हैं और बुबू अकेले संभालती है, रियली हैट्स ऑफ टू हर। यार शुक्र है बुबू तुम आ गई यार, हैट्स ऑफ टू यू, और ये वापस अपने बच्चे संभालो, मैं जा रहा हूँ। आरिश ने तंग तो नहीं किया लेकिन कुछ जिम्मेदारी, और वो मतलब दो तीन बंदे मिलके संभाल रहे थे, मैं मेरी सिस्टर और वो मोविज सारे मतलब मिलके कर रहे थे ना, तो काफी मसला हो रहा था, तो यार आसान काम नहीं है वैसे, लेकिन बाबा और आरिश का पहला डे आउट हो गया तो अच्छा है, मजा आया। यहाँ पे ना आपको जब नेशनलिटी लेनी होती है तो लाइफ एंड यूपी का टेस्ट देना पड़ता है, तो वो टेस्ट की तैयारी करिए बुबू अपने फ्रेंड के साथ मिलकर।
तो बस उसी के लिए गई थी। अभी हो रही है तैयारी, टाइम तो लगेगा, पर लिस्ट तो रोज़ की चलती रहती, तो वही लेने आए मैं इधर बस। उस टाइम तो बड़ी रोनिया कह रहे थे। हाँ बबू देख लिया तुम्हारा नया कवर, अच्छा लग रहा है। बिनी आपने क्या लिया? पेपा पिक चॉकलेट। कमर में दर्द निकली है, उसे चला जा नहीं रहा, मैं पूछ रही हूँ तो मुझे बता नहीं रहे हैं। पता नहीं एसी में वो डालते हैं कि नहीं, पर उनको दर्द है कमर में। देखो छेड़ी है मुझे, वो जो कीड़े वाली ड्राइंग है, वो जैसे चाय में डाल रहे हैं कीड़े, वो मुझे छेड़ी का फेवरेट ड्राइंग है। माउस है जो भी है, है तो अजीब सा। बच्ची कितनी प्यारी है गाड़ी में। यह जो भैया छोटी थी ना, तो राइट उस दिन पे जिस दिन पे मैं उसको बाहर लेके गया अकेले, मैं और भैया, उस दिन उसको मैंने बोला आर वी देयर येट, तो आगे से बोली नॉट येट। और आज आरिश को पहले लेके गया हूँ मैं बाहर पहली बार अपने साथ, तो आज ये देखो क्या कह रहे हैं, आर वी देयर येट। सेम सेम चल रहा है, मतलब ये 15 को पैदा हुआ, ये 16 को पैदा हुई, और ऐसी बातें भी सही सेम सेम कर रहे हैं। वो सूंघने वाले टाइम में भी इनके सेम थे यार दोनों। कुकड़ा एंड कुकड़ी। क्या कमाल का दिन था आज, इतना ज़्यादा मतलब हो ही नहीं सकता यार। एक तो एक बंदे का काम नहीं है ये, पता नहीं कैसे करती है बूबू, अब जैसे भी करती है। आज घर आके बूबू ने यार ये सादा सिंपल सा खाना बनाया, लगने में सिंपल है वैसे स्पाइसी है, ये स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स और ये चिकन टिक्का पीस समथिंग। तो आज हम ज़बरदस्ती हेल्दी खा रहे हैं, यही मिलेगा मतलब नॉट बैड यार, अच्छा है, देखने में थोड़ा सा फीका लग रहा है बट अच्छा। ये अभी जो पीछे आवाज़ें आ रही थी ना, ये इसने प्ले कर दी, इसके कार्टून थे मैंने पॉज कर रहा था सीन लेने के लिए, और इसने प्ले किया, इस लड़के ने प्ले किया, इसने बहुत तंग किया मुझे। जहाँ गाड़ी रुकती थी ये जनाब उठ जाते थे, और ये जो है ना धोखेबाज लड़की है, मुझे धोखा देके भाग गई थी मामा शायद। ए मजाक कर लो, मजाक कर रहा है तू। अभी ये होटल चेक कर रहा था मैं, और इसने मुझे खींच के नीचे बिठा दिया। अब सीन ये है कि यार पहले क्या होता था कि आखिरी दिन तक ना पैनिक मचा होता था कि पैकिंग शैकिंग नहीं हुई, चीज़ें सब कुछ रेडी नहीं हुई। इस बार तो होटल ही रेडी नहीं है, इस बार पता नहीं जाना कहाँ यार और रहना कहाँ यार, क्या सीन है, रोड पे रहना पड़ गया। तो फिर इवेंट अटेंड करना है अब, ज़रूरी तो है जाना वो भी अभी सोचो, एक था तो सो रहा था, अभी मुझे 100% श्योर है कि गाड़ी में अबीरा होती ना इसको उठा देती, तो जो होता ना अच्छे के लिए होता है। अबीरा को हमने भेज दिया, खुद भी जिद करके चली गई, तो बस ऐसे ही हो गया। ऐसा मौसम हो रहा हो ना सही, फुल सर्दी वाला ऐसा मौसम हो रहा हो, ऐसा फुल फॉग, मतलब ये फॉग तो नहीं, ये तो पेपर लगा हुआ है, तो ऐसे में ये वाली हॉट चॉकलेट साथ में होटल बुकिंग तो बस। और बूबू का एक बोझा है, मैं दिखाता हूँ कहाँ है बोझा। बूबू को मैंने किसी से कन्विंस किया कि वो हमें अपनी पीनट्स का बैग शेयर करे। दिखा रहा हूँ बूबू कितना है, और ये साइज देख रहे हो, मेरा हाथ अच्छा खासा बड़ा है, और ये है कितना, 600 ग्राम, मतलब आधा किलो से ज्यादा पीनट बैग में लेकर घूम रही होती है। अब मैं बंदर ना बोलूं तो क्या बोलूं, खुद बताओ। तो मंकी नट्स भी बोलते हैं यहाँ पे, और मंकीज बनानास खाते हैं और पीनट्स खाते हैं। नहीं, बनाना और पीनट दोनों खाते हैं। माउस वो स्क्विरल खाती है। हाँ। ओके, नहीं बंदर। फिलहाल बस वो होटल बुकिंग करनी है, उसके बाद एडिटिंग करके सो जाना है। आपसे मिलते हैं कल एक नए दिन एक नए ब्लॉग के साथ। आपने क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, उनको बोलना है सब्सक्राइब करने के लिए, और अगर खुद सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे बहुत मजे की ट्रैवल सीरीज आने वाली है, और वो ऑब्वियसली आप मिस नहीं करना चाहते। तो फिर एज ऑलवेज, तब तक के लिए, जब तक के लिए मिलते इधर। ओ भाई इधर कैमरा, इधर है, कंफ्यूज हो गया, उधर कैमरा इधर कैमरा, तुम्हारे सर से बड़ी तो ये लाइट है यार। चलो कोई चीज आयुष के सर से बड़ी भी है। इतना बड़ा सर है, अलग लगता रहता है। देखो कैसे देख रहा है यार, जैसे इसका बस नहीं चल रहा, इस पूरी जगह पे कब्जा कर ले। ओए ये किसका बर्थ सर्टिफिकेट पड़ा है इधर, अभी क्या दिया बूबू यार, इस चीज पे तो ना रखो ना बाकी चीजें यार।